हेलो साथियों, इस वीडियो में भारत का सामान्य ज्ञान को देखेंगे जो कि आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो कौन से प्रतापी राजा से है? तो इसका सही उत्तर है भरत चक्रवर्ती। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो गंगा नदी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। कौन है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन है? कुतुब मीनार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? इस ऑप्शन में से सबसे कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। कौन है दोस्तों? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? भारत का सबसे लंबी सुरंग है तो बताओ साथियों इसका आंसर? तो इसका आंसर है चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, चेनानी नैसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, एमपी प्रश्न है दोस्तों, बताइए भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? तो इसका आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम है ना, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो याद रखना दोस्तों 1916 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय इसमें से कौन है? तो बताइए इसका आंसर है SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, देखिए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? से ये हुआ था मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अब देखिए अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। ठीक है, कमलजीत सिंधु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है M फतिमा बीबी। M फतिमा बीबी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, आप लोग जानते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को बने थे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को बने थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है वो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविनाथ टैगोर थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर बताया था, तो इसका सही उत्तर है ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें से कौन है? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा, याद रखना चाहते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका नाम है रीना कौशल धर्मसत्तू। रीना कौशल धर्मसत्तू इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, तो प्रथम भारतीय फिल्म बताइए सही उत्तर क्या है? राजा हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर कौन है? राजा हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अच्छा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? तो कब निर्मित हुआ था बताओ साथियों? इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर है 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये है सिंधु शब्द से। किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो याद रखना दोस्तों, ये है दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो क्या है साथी बताओ? रीढ़ है। क्या है? रीढ़ है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताओ साथी इसका आंसर। तो इसका है सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम ही सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है जो कि भारत में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो इसमें से कौन सा है जो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? तो ये है किसान कन्हैया। इसका उत्तर है किसान कन्हैया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है बताइए दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सत्यजीत राय। इसका सही उत्तर है सत्यजीत राय। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न,
आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो ये है लाल केनिन, इसका सही उत्तर है लाल केनिन। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, तो इसका सही उत्तर बताओ साथियों, इसका सही उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही उत्तर कौन है? राजकुमारी अमृत कौर है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो इसका सही उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है बताओ साथियों? तो ये है जी वी मावलंकर, है ना, जी वी मावलंकर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो बताओ साथियों इसका आंसर, तो विश्वनाथन आनंद है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो इसका आंसर है द न्यूज टुडे इसका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, देखिए दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, इसका सही उत्तर है मिथाली राज। कौन है? मिथाली राज है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा? 3 जनवरी 2001 को, 3 जनवरी 2001 को द न्यूज टुडे शुरू हुआ था। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर बताओ साथियों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र सिंह सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है, तो प्रथम भारतीय महिला कौन है बताओ साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है के जे उदेशी इसका सही उत्तर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो बताओ साथियों, इसका सही उत्तर कौन है? तो मीरा कुमार, इसका सही उत्तर है मीरा कुमार है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय सीवी रमन है। कौन है? सीवी रमन है। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, तो ये प्रश्न क्या करें दोस्तों, देखिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक्स।